जय भवानी, क्या राजपूत दूसरी जाति में विवाह कर सकते हैं या कोई दूसरी जाति का राजपूत जाति में विवाह कर सकता है? ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं और सवाल ही क्या, ऐसी परिस्थितियां भी पैदा हो जाती है कि राजपूत अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, राजपूतों में अंतरजातीय विवाह बिल्कुल वर्जित है। राजपूत किसी दूसरी जाति की लड़की या लड़के से विवाह नहीं कर सकते क्योंकि इससे रक्त में मिलावट हो जाती है। यदि कोई राजपूत लड़का दूसरी जाति की लड़की से विवाह कर लेता है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में राजपूती खून नहीं रह जाता है, उस खून में अशुद्धि मिक्स हो जाती है और उनकी पीढ़ी में वीर राजपूतों के गुण नहीं रह पाते हैं। इस कारण अपने पूर्वजों से मिले गुणों और क्षत्रिय संस्कारों को बचाने के लिए राजपूतों में अंतरजातीय विवाह बिल्कुल वर्जित है। यदि कोई राजपूत लड़का दूसरी जाति की लड़की से विवाह कर भी लेता है तो उसे कुलद्रोही कहा जाता है, और यदि कोई राजपूत लड़की दूसरी जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे कुलनाशी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर यदि कोई राजपूत अंतरजातीय विवाह कर लेता है तो उन्हें जात बाहर भी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार अपने क्षत्रिय रक्त को बचाने के लिए राजपूतों में अंतरजातीय विवाह नहीं किया जाता और इससे दूर ही रहना चाहिए। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह शेखावत। राजपूत समाज से संबंधित जानकारियों के लिए राजपूत मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भवानी।